हाईटेक कॉम्पिटेंट बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के वर्तमान सचिव व अध्यक्ष पद के लोकप्रिय उम्मीदवार चौधरी जसवीर सिंह का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। यह स्वागत हाईटेक कॉम्पिटेंट बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर व अग्रवाल समाज के अध्यक्ष मोहन गुप्ता के नेतृत्व में कंपनी परिसर में किया गया। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के आगामी 15 सितंबर 2023 को अध्यक्ष पद के चुनाव होने को है, जिस पर अध्यक्ष पद की दावेदारी चौधरी जसवीर सिंह ने की है। उसी दिन चुनाव की समाप्ति के बाद मतों की गणना कर अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। आज इस भव्य स्वागत से विरोधी पार्टी में खलबली मची हुई है। इस दौरान चौधरी जसवीर सिंह ने कहा कि भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन औद्योगिकी इकाइयों का महत्वपूर्ण संगठन है, जो हमेशा से ही औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं के लिए जूझता रहा है। कोरोना काल में भी सरकार से लेकर प्रशासन तक इस संगठन में उद्योगपतियों की समस्याओं को हल कराने का काम किया है। प्रदूषण की वजह से बदनामी की मार झेल रहे हैं, उद्योगों को भी सरकार से बात कर राहत दिलाने का काम किया है। चौधरी जसवीर सिंह ने सचिव रहते भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ब्रजमोहन मित्तल व वर्तमान अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान के साथ तालमेल बिठाते हुए बखूबी काम किया है। आगे भी भिवाड़ी की औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं को 100% हल कराने का काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। वहीं इसी दौरान अग्रवाल समाज से जुड़े उद्योगपति व भिवाड़ी, खुशखेड़ा, चौपानकी, कहरानी सहित करौली के अन्य उद्योगपति भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान, ब्रजमोहन मित्तल, जीएल स्वामी, नरेश अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, ब्रजमोहन अग्रवाल, संपूर्ण सिंह, रजनीश गोयल, योगेश जैन सहित सैकड़ों की संख्या में उद्योगपति उपस्थित रहे। बड़े पिता तुल्य इन से भी मेरा आज से नहीं 25 साल से राम कुमार जी के साथ रहा है और अच्छी शिक्षाएं भी मैंने सिखा के काफी सुना है। मेरा आप उत्तर कदरिया में जाने के बाद कुछ उठना बैठना कम हो गया, वरना रोज के साथ मेरा उठना बैठना था। इधर भाई ब्रजमोहन सीए जी भी करीबन 25 जी, बड़े भाई साहब, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, उन्होंने तो एक ही चीज जब से भिवाड़ी में ये सीखी है, हमारा संगठन एक है और हमें उस संगठन को किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहिए। पिछले इलेक्शन में एस के गोयल साहब चौहान साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे, इंद्रपाल शर्मा के यहां बैठे, उन्होंने कहा भाई इलेक्शन लड़ो। मैंने उनसे कहा भाई मैं वोट दूंगा जहां मेरे लोग, मैं शुभकामनाएं दे सकता हूं, लेकिन आप मुझे कहो कि भाई मैं मेरे साथ चल वहां वोट लेनी है, मैं नहीं। तो एक तरफा हो उस पर ही रहो, लेकिन ग्रुप में जो ताकत है ना जी, वो किसी और चीज का नहीं। आपका परिवार का संगठन है, आप तरक्की करोगे, आपका समाज का संगठन है, आप तरक्की करोगे। इसलिए संगठित रहो। हमारा भाई जसवीर लड़ रहा है, आप एक बात समझो, दिवाली में तीन चीजें हैं, संदीप यादव, संदीप दायमा, उसके बाद सिर्फ एक ही चीज बचती है, वो है बीए में। आज बीआईए भी खुल गई, वो भी एक संगठन है, वो भी हमारे भाई हैं। लेकिन अगर किसी दुकानदार भाई को, उद्योगपति को किसी थाने में, किसी महकमे में अगर व्यक्तिगत काम है तो आप ना दायमा के पास जा सकते हो, ना एमएलए के पास जा सकते हो। आपका काम आधी रात को भाई जसवीर या भाई त्रिभुवन पर या भाई सुरेंद्र चौहान में ही उठाएगा। इसलिए संकेत रहो, कोई भी अपना साथी कहीं दूसरी जगह भटक भी रहा है,